खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला डेरा इस्माइल खान में तरक्याती मंसूबों पर काम करने वाली निजी कंपनी की गाड़ियों पर दहशतगर्दों की फायरिंग से दो मुलाजमीन और एक पाक फौज का जवान शहीद हो गया। फायरिंग के दौरान कंपनी के दो शहरी मुलाजमीन जिनकी शनाख्त मोहम्मद फैसल और आसिफ कामरान के नाम से हुई है ने जाम शहादत नोश किया। हमास की अस्करी विंग अल कासिम ब्रिगेडियर्स ने कहा है कि इसराइल के साथ 5 रोज़ा जंग बंदी के बदले गजा में कैद 70 खवातीन और बच्चों को रिहा करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि जंग बंदी में मुकम्मल जंग बंदी शामिल होनी चाहिए और गजा की पट्टी में हर जगह इमदाद और इंसानी इमदाद की इजाज़त होनी चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा फैसल करीम कुंडी ने कहा है कि पीपल्स पार्टी को इस्टेब्लिशमेंट से कोई गिला नहीं, हमारी शिकायतें मुस्लिम लीग नून से हैं। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ को जो वतन वापसी पर प्रोटोकॉल मिल रहा है इस पर हमें शिकायत है, अगर तो तमाम वज़राए आज़म को इस तरह का प्रोटोकॉल दिया जाए फिर हमें कोई मसला नहीं होगा, लेकिन सिर्फ नवाज शरीफ को देने पर हमारा गिला बनता है। और डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में चेयरमैन पीटीआई के 6 और बुशरा बीबी के 1 मुकदमे में जमानत में 28 नवंबर तक तौसी कर दी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ताहिर अब्बास सुपरा ने चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी के दरख्वास्त जमानतों पर समाप्त की।